सलाम अलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम क्रोनिकल डेल्टा और लेविसिविटा सिंपल से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इस तरह एग्जाम्स में लोगों के पूछ लिए जाते हैं कि हमें क्रोनिकल डेल्टा और कोई आइडेंटिटी दे दी जाती है वेक्टर्स की, और ये पूछ लिया जाता है कि इस आइडेंटिटी को प्रूव करने का कोई तरीका बता दें। तो आज हम यही करने वाले हैं कि क्रोनिकल डेल्टा और लेविसिविटा सिंपल से रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे कि क्रोनिकल डेल्टा और लेविस वीटा को यूज करके कैसे आप वेक्टर की आइडेंटिटीज प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्रोनिकल डेल्टा और लेविस वीटा सिंबल को जोड़ने वाली एक खास आइडेंटिटी चाहिए ये प्रूव करने के लिए। तो वो आइडेंटिटी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये आइडेंटिटी तकरीबन हर प्रूफ में यूज होती है, तो इट्स बेटर कि आप इसको याद कर लें। तो ये मैं आइडेंटिटी बताता हूँ। आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर आइडेंटिटी ऑफ क्रोनिकल डेल्टा एंड लेविस-वीटा सिंबल, अ वेरी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी क्या है? ये क्रोनिकल डेल्टा और लेविस-वीटा सिंबल को मिलाती है आपस में। ये कहती है कि जब हमारे पास दो एक लेविस-वीटा सिंबल है एप्सिलॉन आई जे के लेट्स से, और एक और लेविस-वीटा सिंबल है पी एम के, यानी इन दोनों की जो आखिरी इंडिसीज हैं ये डमी इंडिसीज हैं और पहली दो इंडिसीज फ्री हैं। देख लें, फ्री इंडिसीज हमारे पास होती हैं और हमारे पास डमी इंडिसीज होती हैं। फ्री इंडिसीज वो होती हैं जिनके ऊपर कोई सम नहीं होता, ठीक है, और डमी इंडिसीज वो होती हैं जिनके ऊपर सम होता है। इसका मतलब फ्री इंडेक्स जो है वो एक से ज्यादा बार एक मल्टीप्लीकेशन के अंदर रिपीट नहीं हो सकती, जबकि इंडेक्स नोटेशन, जबकि डमी इंडेक्स जो है वो एक से ज्यादा बार एक मल्टीप्लीकेशन के अंदर रिपीट होती है। तो इसमें हमारे पास क्या है? फोर फ्री इंडिसीज है, वो क्या है? आई जे और पी और एम, क्योंकि ये एक एक बार आ रही है, और हमारे पास एक डमी इंडेक्स है क्योंकि वो रिपीट हो रही है, मगर है तो एक ही ना, बेशक दो बार आ रही है, और वो है के। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये है कि एप्सिलॉन आई जे के और एप्सिलॉन पी एम के बराबर है क्रोनेकर, दो क्रोनेकर्स मल्टीप्लाई होते हैं और फिर वो आपस में सब्ट्रैक्ट भी होते हैं। ठीक है, और इनकी इंडेक्स कैसे आती है? देखिए, पहले लेविस वीटा की पहली इंडेक्स, दूसरे लेविस वीटा की पहली इंडेक्स, फिर दूसरे क्रोनिकल डेल्टा पे क्या आता है? पहले लेविस-वीटा की दूसरी इंडेक्स, वो है जे, और दूसरे लेविस-वीटा की दूसरी इंडेक्स जो कि है एम। ठीक है, और जब हम अगली दफा जाएंगे, अगले वाले जो दो क्रोनिकल डेल्टास हैं वो क्या है? उनमें आता है पहले लेविस-वीटा की पहली ही इंडेक्स मगर दूसरे लेविस-वीटा की दूसरी इंडेक्स, और इसी तरह जो आखिरी क्रोनिकल डेल्टा है उसकी जो इंडेक्स है वो इस तरह है कि पहले लेविस-वीटा की दूसरी इंडेक्स और दूसरे लेविस-वीटा की पहली इंडेक्स। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। अगर मेरे फर्ज करें किसी और तरीके से लिख लूं, मतलब मेरे पास ये इंडेक्स इंडिसेस ना यूज करूं, मैं कोई और इंडिसेस यूज करूं, यानी मैं इंडिसेस यूज करूं ए बी सी और एप्सिलॉन एल एम सी, ठीक है, तो ये इस तरह होगा क्रोनेकर ए एल, क्रोनेकर बी एम माइनस क्रोनेकर ए एम और क्रोनेकर बी एल। तो इस तरह से आप, इंडिया मैटर नहीं करता इंडिसेस को क्या नाम दिए, बस आपने ये नोटिस करना है कि पहले इंडिसेस किस तरीके से आ रही है। तो आप वीडियो पीछे करके दोबारा भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इंडिसेस लगाई हैं, और ये आइडेंटिटी याद करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और अभी हम जितने भी प्रूफ करेंगे हम ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे उन सब में। तो चलिए हम पहला प्रूफ करते हैं, पहली हम एक्सरसाइज करते हैं। दो एक्सरसाइज में लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि अगर ये दो भी समझ आ जाए तो काफी काम इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, फिर आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर मैं पहले जो पहली एक्सरसाइज है वो करूं, तो वो उसमें हमें बैक कैब रूल प्रूव करने के लिए क्या हुआ है, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो बराबर है बी इंटू ए डॉट सी के माइनस सी इंटू ए डॉट बी के, ये आइडेंटिटी हमने प्रूफ करनी है। तो इसका प्रूफ कैसे होगा? इसका प्रूफ बड़ा इजी है, और इसका प्रूफ हम
इंडेक्स नोटेशन में करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या देती है, हमें लेफ्ट हैंड साइड देती है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, आपको पता है जब भी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए, चाहे 4 का, चाहे 10 का, चाहे 20 का, वो होता है एक वेक्टर ही है। यानी इसके बाद हमें वन इंडेक्स ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमें वन इंडेक्स ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी इसके बाद जो इंडेक्स आएगी, इस पूरे के ऊपर जो इंडेक्स होनी चाहिए वो एक इंडेक्स होनी चाहिए। तो यानी कि इन इंडेक्स नोटेशन में मैं कैसे कर सकता हूँ, इन इंडेक्स नोटेशन हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है उसके ऊपर ए की इंडेक्स आएगी और उस इंडेक्स को मैं के कह देता हूँ। अब मैंने आपको बताया हुआ एक वेक्टर, देखिए इसमें हम इन दोनों को अगर वेक्टर ट्रीट करें तो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है बी क्रॉस सी। तो इन दोनों को अगर मैं अलग अलग वेक्टर ट्रीट करूं तो फिर इंडेक्स नोटेशन में हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए, हमें जो इंडेक्स चाहिए वो हम एप्सिलॉन आई जे के, और के हमारी फ्री इंडेक्स होगी, आई जे पर तो सम आएगा ना, के वही इंडेक्स होगी जो हमें अपने वेक्टर की इंडेक्स चाहिए। तो ये बराबर होगा एप्सिलॉन आई जे के ए आई और बी क्रॉस सी, यानी बी क्रॉस सी करने से जो वेक्टर बनेगा उसका जेथ कंपोनेंट। अब बी क्रॉस सी से कौन सा वेक्टर बनेगा, इधर हमारे पास आएगा एप्सिलॉन आई जे के ए आई, और देखिए इधर जो हमारे पास इंडेक्स आती है ना, वही इंडेक्स हमारे पास एप्सिलॉन के एंड पर आएगी, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है। और क्रॉस प्रोडक्ट का रूल अगर ये आप लोगों को नहीं पता तो पिछली वीडियो में मैंने उसकी डेफिनेशन ही यहाँ से बताई थी। तो अब क्योंकि हमने आई और जे जो है वो वाली डमी इंडिसेस यूज कर ली है, तो बी इस वाले एलबीसी बीटा सिंबल के साथ मैं पी और एम इंडिसेस यूज करता हूं। तो एप्सिलॉन पी एम जे बी पी सी एम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, तो हमारे पास ये इस तरीके से आ गया। अब मैं दोनों क्रोनेकर जो मेरे पास हैं, दोनों जो मेरे पास लिविस वीटा सिंबल है, इन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, और फिर ए आई बी पी और सी एम को भी मैं एक साथ लिख लेता हूँ, एप्सिलॉन आई जे के हमारे पास आ गया और एप्सिलॉन पी एम जे हमारे पास आ गया। इधर हमारे पास ए आई बी पी और हमारे पास सी एम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आखिरी इंडेक्स के ऊपर सम होना चाहिए। तो अगर मैं इस तरह दो इंडिसेस एक्सचेंज कर दूं तो मेरे पास एक माइनस साइन आ जाएगा, और मेरे पास आ जाएगा एप्सिलॉन आई के जे और एक माइनस साइन के साथ एप्सिलॉन पी एम जे और ए आई बी पी एंड देन आई विल गेट सी एम। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाता है। तो अब हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। अभी अभी मैंने आप लोगों को एक आइडेंटिटी बताई थी, तो वो आइडेंटिटी यूज करके एप्सिलॉन आई के जे एप्सिलॉन पी एम जे अगर मेरे पास हो तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्रोनेकर आई पी क्रोनेकर के एम माइनस क्रोनेकर आई एम और क्रोनेकर के पी, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस और इसकी जगह मैं ये क्रोनेकर वाली आइडेंटिटी यूज कर लूंगा, क्रोनेकर के एम माइनस क्रोनेकर आई एम और क्रोनेकर के पी, और ये हो जाएगा ए आई बी पी और हमारे पास आ जाएगा सी एम। और उसके बाद अगर ये माइनस साइन अंदर जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्रोनेकर आई एम क्रोनेकर के पी माइनस क्रोनेकर आई पी, बिल्कुल जैसे हमारे पास अगर ए माइनस बी हो उसके आगे माइनस साइन हो तो हमारे पास बी माइनस ए हो जाता है, वो बिल्कुल उसी तरह मैंने ये लिखा है। तो मेरे पास आ जाएगा क्रोनेकर आई पी क्रोनेकर के क्रोनेकर आई एम क्रोनेकर के पी माइनस क्रोनेकर आई पी और क्रोनेकर के एम आ जाएगा मेरे पास, साथ ही साथ ए आई बी पी और सी एम। फिर मैं अंदर ए आई बी पी सी एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा क्रोनेकर आई एम क्रोनेकर के पी ए आई बी पी और सी एम आ जाएगा मेरे पास, उसी के साथ माइनस क्रोनेकर आई पी क्रोनेकर के एम और मेरे पास आ जाएगा ए आई बी पी और सी एम। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडेक्स ईटिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्रोनेकर डेल्टा की। अब देखिए
इस क्लोने करके साथ आई है और इधर भी आई है, यानी ये आई डमी इंडेक्स है, तो ये आई आई से खा जाएगा ए के आई को और एम ए को दे देगा ये क्लोने का डेल्टा। उसी तरह ये पी है और बी के साथ भी पी है, तो ये खा जाएगा इसे और इधर भी रिप्लेस कर देगा अपनी इंडेक्स के को। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां हमारे पास आ जाएगा ए के ऊपर जाएगी एम, तो ए एम बी के और सी एम आ जाएगा हमारे पास। इसमें से माइनस करेंगे तो अगले वाले है उसमें देखें, यहां पर भी हमारे पास ए के साथ भी आई है, इधर भी ए के साथ आई है, तो ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा और हमें पी दे देगा ये इसको बाय इंडेक्स हीटिंग प्रॉपर्टी। उसी तरह इधर भी एम है और इधर भी एम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये इसको के दे देगा। इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास आएगा अगेन ए पी बी एम एंड देन सॉरी हमारे पास ए के साथ आएगा जी ए पी और हमारे पास क्या आ जाएगा बी अगेन ए पी एंड बी पी, बी के साथ भी हमारे पास पी है, तो बी पी एंड देन वी विल गेट सी के। अब देखें अगर आप इसको गौर से देखें, अब मैं इधर क्या करता हूं, बी को पहले रखता हूं पी के और यहां पर हमारे पास ए एम और सी एम है। यहां पर मैं इस तरह करता हूं, यहां पर मैं सी को पहले रखता हूं और यहां पर हमारे पास ए पी और बी पी है। देखिए एम तो हमारे पास डमी इंडिसेस है, पर के जो है हमारे पास, देखिए मल्टीप्लीकेशन के अंदर साथ नहीं आ रही, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में साथ आ रही है, तब तब भी ये फ्री इंडेक्स होती है। अब के पर सम अज्यूम ना करना, क्योंकि मैंने बताया था कि के तब डमी इंडेक्स होती है जब मल्टीप्लीकेशन हो रही हो दो ऑब्जेक्ट्स की और फिर के उनमें आ रही हो। इधर के हमारे पास एज अ फ्री इंडेक्स ही आ रही है, के पर समेशन नहीं है। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो देखें हम एक पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके कॉम्पोनेंट से, ए के से, तो ये बी जो है ये उसका पूरा कॉम्पोनेंट है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ए डॉट पी को हम लिख सकते हैं ए एम बी एम या फिर ए जे बी जे, मतलब कोई भी डमी इंडेक्स हो तो हम डॉट प्रोडक्ट्स को उससे लिख सकते हैं। ये जो ए एम सी एम है इसका मतलब ये ए डॉट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए डॉट सी और यहाँ हमारे पास सी वेक्टर आ जाएगा और यहाँ हमारे पास ए डॉट बी आ जाएगा, क्योंकि डमी इंडेक्स मैटर नहीं करती। तो देखिए ये हमने प्रूव कर दिया है हमारा बैक कैब रूल। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया है क्यू ई डी एंड प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीके से हम क्रोनेकर डेल्टा और लिविस बीटा सिंबल को यूज करके, इनकी प्रॉपर्टी यूज करके, जैसे एंटी सिमेट्री की प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज की है, इंडेक्स हीटिंग प्रॉपर्टी हमने यूज की है और वो जो आइडेंटिटी मैंने आपको बताई है वो आइडेंटिटी यूज की है, ये चीजें यूज करके हम आइडेंटिटीज प्रूव कर सकते हैं वेक्टर की, जो मुख्तलिफ चीजें हैं आइडेंटिटीज प्रूव कर सकते हैं हम। अब एक और एक्सरसाइज करते हैं, लेट्स डू अनदर प्रूफ, लेट्स डू एक्सरसाइज नंबर टू। तो एक्सरसाइज नंबर टू में वहां हमें कहता है कि हम ये प्रूव करेंगे ए क्रॉस बी डॉटेड विद सी क्रॉस डी ये बराबर है ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी के, हमने ये प्रूव करना है इसके अंदर। तो पहले तो देखें इसका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, इसका एंड रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए। अगेन वी बिगिन विद दी लेफ्ट हैंड साइड, हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करें तो हमारे पास आ जाएगा ए क्रॉस बी डॉटेड विद सी क्रॉस डी। तो ये हमारे पास, अब हमारे पास इसमें फ्री इंडेक्स कोई नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक स्केलर है। जब भी दो वेक्टर, ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर देगा, सी क्रॉस डी भी एक वेक्टर देगा, और जब वो मल्टीप्लाई होंगे डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा उनका, तो उनका डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होगा, तो इसमें कोई भी हमारे पास फ्री इंडेक्स नहीं होना चाहिए इन दैट। तो देखें इसमें फ्री इंडेक्स आएगा भी नहीं, अगर हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखें तो ए क्रॉस बी जो एक वेक्टर है उसकी एक फ्री इंडेक्स अगर मैं कह दूं कि वो आई है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं सी क्रॉस डी ये भी आई, वही डॉट प्रोडक्ट का मैंने यूज किया, जैसे ए डॉट बी जो होता है
वो ए आई बी आई होता है इसमें समेशन नोटेशन में, तो इस तरह ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस डी से लेंगे, तो वो ए क्रॉस बी आई और सी क्रॉस डी आई बन जाएगा हमारे पास। इसको फिर हम कैसे लिख सकते हैं, अब हम दोनों क्रॉस प्रोडक्ट्स को क्रोनेकर डेल्टा सिंबल के अंदर लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं क्रोनेकर, हम इसको कर देते हैं क्रोनेकर जे के आई, और ये हमारे पास आ जाएगा ए जे और बी के, इसमें जे और के हमारे पास समेशन इंडिसीज हैं। और इसी तरह इसको हम कर देते हैं एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन या लिविस वीटा, तो एप्सिलॉन इधर हम अगेन हम जे के एम नहीं यूज कर सकते तो पी एम यूज कर लेते हैं, तो एप्सिलॉन पी एम आई, तो आई तो आएगा इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर जो इंडेक्स होती है वही एप्सिलॉन के साथ आती है, वही एप्सिलॉन की फ्री इंडेक्स बनती है। तो सी पी और डी एम हम कर लेंगे यहाँ पर, अगेन मैं क्या करता हूँ दोनों को साथ कर लेता हूँ, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन जे के आई और एप्सिलॉन पी एम आई हमारे पास हो जाएगा ए जे बी के सी पी डी एम, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अगेन वही आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्रोनेकर जे पी क्रोनेकर के एम माइनस क्रोनेकर जे एम और क्रोनेकर के पी, पहला इंडेक्स पहले क्रोनेकर में, दूसरा इंडेक्स दूसरा इंडेक्स दूसरे क्रोनेकर में, पहला इंडेक्स दूसरा इंडेक्स तीसरे क्रोनेकर में, और दूसरा इंडेक्स पहला इंडेक्स चौथे क्रोनेकर में। ये आप लोग उसमें भी मेरी डेफिनेशन में भी देख सकते हैं जब मैंने ये आइडेंटिटी दिखाई है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ए जे बी के सी पी एंड डी एम, अगेन कुछ भी नहीं करना, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर क्रोनेकर की इंडेक्स हीटिंग प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्रोनेकर जे पी क्रोनेकर के एम, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए जे बी के सी पी डी एम, और हमारे पास सब्ट्रैक्शन में आएगा क्रोनेकर जे एम क्रोनेकर के पी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए जे बी के सी पी डी एम हो जाएगा। अगेन हम इंडेक्स हीटिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखिए इधर क्रोनेकर जे है, ये इस जे को खा जाएगा और इसके जगह पी रिप्लेस कर देगा, इधर क्रोनेकर के है, ये इस के को खा जाएगा इसकी जगह एम रिप्लेस कर देगा, अगेन इधर क्रोनेकर जे है, ये इस जे को खा जाएगा इसकी जगह एम रिप्लेस कर देगा, इधर क्रोनेकर के है, ये इसके को खा जाएगा, सॉरी इधर के इसके को खा जाएगा और पी रिप्लेस कर देगा। एंड देन हमारे पास क्या बचेगा, इधर हमारे पास आ जाएगा ए पी बी एम सी पी डी एम माइनस ए ए के साथ क्या आएगा ए एम बी पी सी पी डी एम। अब जिनकी सेम इंडिसीज हैं उनको एक साथ लिख लें, अब सेम इंडेक्स वाले कौन से हैं जिनको एक साथ लिखना है, देखें ए पी सी पी सेम इंडिसीज हैं, बी एम डी एम सेम इंडिसीज वाले हैं, दूसरी तरफ ए एम डी एम ए एम डी एम सेम इंडेक्स वाले हैं, और बी पी सी पी सेम इंडेक्स वाले हैं। अगेन इनको मैं डॉट प्रोडक्ट के सिंबल में लिख दूं, तो अगर ये मेरे पास आ जाएगा ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी, पास इतना सिंपल है, और ये हमने अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर लिया, यही हमें प्रूफ करने को कहा गया था। तो इस तरीके से आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं यूजिंग क्रोनेकर डेल्टा एंड लिविस वीटा, फॉर्मूला एक ही है, सबसे पहले आपने इंडिसेस का ख्याल रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट्स को लिविस वीटा सिंबल के साथ खोलना है, लिविस वीटा सिंबल अगर दो बार आए तो उस पर क्रोनेकर डेल्टा वाली प्रॉपर्टी लगा देनी है जिससे लिविस वीटा सिंबल्स को हम क्रोनेकर डेल्टा के अंदर चेंज कर सकते हैं,
और फिर क्रोनेकर डेल्टा की इंडेक्स हीटिंग प्रॉपर्टी यूज करनी है, और इस तरह करने से आप लोग कोई भी चीज आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।